बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल MBS पाकिस्तान। सबसे पहले तो तमाम न्यू सब्सक्राइबर जो आ रहे हैं उनको वेलकम करता हूँ। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी यूथ के लिए, यानी कि जो हमारे नौजवान तबका है और बड़ा एनर्जीफुल ब्लड है उसके अंदर और बहुत कुछ करना चाहता है, तो इस करने के चक्कर में वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ भी कर जाते हैं जो कि बाहर के ममालिक के नौजवानों को कॉपी करने के चक्कर में, कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में, सोशल मीडिया पे अपने आप को वायरल करने के चक्कर में कुछ भी करते हैं, स्पेशली टिकटॉक पे करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो वीडियो जो मैंने बनाई है वो तो आगे लगा रहा हूँ मैं, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। एक बहुत टाइम पीरियड जो है मैंने सऊदी अरब के अंदर गुजारा है, तो वहाँ भी जब मैं ऑल द वे जेड्डा टू मदीना ट्रैवल करता था तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं हाईवेज के ऊपर और हाई स्पीड ड्राइविंग के ऊपर जो है वो आपकी पिक्चर आ जाती है और आपको ग्रामा यानी कि फ़ाइन पे करना जो थ्रू इकामा आपकी डायरेक्टली होता है वो सिर्फ कहता आपको SMS रिसीव हो जाता है। तो सऊदी लड़के तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसा बहुत है, सऊदी अरब की जो हिसाब किताब है वो आपके सामने है कि वहाँ पर पैसा बहुत है, एक से एक गाड़ियाँ, एक से एक हिसाब किताब, और इस हिसाब से वो अब उनका पैशन है, यानी कि दो तीन चीज़ों के बड़े शौक हैं जो मैं ऑन स्क्रीन आपको नहीं बता सकता, लेकिन उन शौक में एक शौक उनका फास्ट ड्राइविंग का है और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर उनको फास्ट ड्राइविंग के ऊपर ग्रामा पड़ जाए, फाइन पड़ जाए 500 रियाल का, तो उनके लिए कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तानी के ऊपर पड़ जाए तो एक आम मजदूर की तनख्वाह ही वहाँ पे 600 रियाल है, तो आप समझ जाएं कि वो किस तरह से पे कर सकेगा, तो वो ख्याल करता है लेकिन ये ख्याल नहीं करते। और मैंने वहाँ पे ये ड्रिफ्टिंग जो करते हैं, यानी कि गाड़ी को चलाते हुए हाईवेज के ऊपर ड्रिफ्टिंग कर देना, टू व्हील के ऊपर चलाना, ये मैंने बहुत कॉमनली देखा। हालाँकि और ऑल द वे जब मैं वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था तो वहाँ पे वो क्लासेस ली जाती थी, तो वहाँ पे बताया जाता था कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यंग डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट सऊदी अरब में होती है। जी हाँ बिल्कुल, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अमवात नौजवान लड़कों की जो है वो सऊदी अरब में है, सिर्फ और सिर्फ इस पैशन और इस ड्राइविंग और इस स्टंट की वजह से। तो एक बहुत मशहूर वीडियो है उनकी, यूट्यूब पे आराम से सर्च करते हैं तो मिल जाती है, मैं भी वो लगाऊंगा कनेक्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें कुछ नौजवान लड़के एक लैंड क्रूजर टाइप की बड़ी गाड़ी को ड्रिफ्ट कर रहे हैं टू व्हील के ऊपर, उसके बाद उसका एक टायर चेंज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ड्रिफ्टिंग और वापस लगा रहे हैं, उस पर खुश हो रहे हैं। अब पाकिस्तानी नौजवान पीछे तो रह नहीं सकता, बहुत अरसे बाद एक माशाल्लाह रक्षे वाले ने उसको टक्कर दिए कि वो रक्षा ड्रिफ्ट करते हुए कर रहा है। मैं इस काम को माशाल्लाह इसलिए बोल रहा हूँ कि पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद जो एक धचका लगा कि अल्लाह ना करे अगर ये एक्सीडेंट हो जाता या कुछ हो जाता जिस तरह से उस शख्स का सर बाहर निकला हुआ है, तो बस बहुत बड़ा नुकसान होता, और नुकसान आपका तो होता ही होता, आपके साथ आपके माँ बाप के लिए कितना बड़ा ये सदमा होता। तो खुदारा ऐसे स्टंट्स ना करें और उसको सोशल मीडिया पर डालें। मकसद मेरा इस वीडियो को लगाने का ये कि नौजवान नस्ल समझे कि स्टंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको देखें और हम देखें, हमारे और उनके बीच बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की वीडियोज़ सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए पोस्ट की जाती है कि जो करते हैं, इसके अलावा वो लाहौर के अंदर पिंडी के अंदर आपको बाइकर्स बॉय बहुत ज़्यादा पता होंगे जो बाइक्स पे स्टंट करते हैं, वो एक अलग है, फिर कभी उस पर वीडियो करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास जमा है, ये वीडियो मेरे पास अचानक से आई रक्षे वाली, और रक्षे वाली वीडियो को देख के एकदम से मैं सऊदी अरब चला गया, तो मुझे वो सारी चीज़ें मैंने सर्च करके वो वीडियो लगाई है। अब वो वीडियो मैं आपके साथ लगा रहा हूँ, दोनों वीडियो स्प्लिट होकर चल रही हैं एक ही वीडियो में, तो उसको गौर से देखिएगा और देखिएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं और हमारे नौजवान कर रहे हैं और किस तरह से ये ख़तरनाक मौत का खेल खेल रहे हैं। मैं इसको यही कहूँगा कि मौत का खेल खेल रहे हैं। तो काइंडली बस रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और इस मैसेज के साथ शेयर करें कि जो हमारी यूथ है इस तरह के बेकार से वीडियोज़ बनाने से वायरल नहीं होंगे। अगर ये वायरल वीडियो बनाते हुए रोड एक्सीडेंट हो जाता, कुछ भी हो जाता, तो कौन जिम्मेदार था? उनको देखते हुए हमने ये वीडियो बना ली, बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर लिया कि उन्होंने 4 व्हील से 2 व्हील पे किया, आपने भी 3 व्हील से इसको वो कर लिया, तो ये इतनी कोई फ़ख्र की बात नहीं है ये बहुत किया। तो मैंने इसलिए थंबनेल पे लिखा है कि वो शेयर हैं तो हम सवा शेयर हैं, तो माइंड तो इतना है तो पॉजिटिव चीज़ों में इस्तेमाल करें अपने मुल्क को लेकर। जब इतना आपके अंदर सोच है,
इतनी पावर है, इतना खून के अंदर प्रेशर है, तो इसको पॉजिटिव चीज़ों में इस्तेमाल करके कुछ और चीज़ें करें जिसकी वजह से हम उनसे आगे जा सकें और हम इस मुल्क का नाम रोशन करें। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले वही एक नॉर्मल सी बात कि चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसको लाइक कर लेना, ठीक है। और साथ में कोशिश कीजिएगा कि एक और चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी बहन है सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने एक चैनल खोला है AK मैग ऑफिशियल, उसका लिंक भी दे रहा हूँ, उस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके सब्सक्राइबिंग की और वॉच टाइम की ज़रूरत है ताकि वो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर सके। वीडियो देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हो, मुझे इजाज़त दीजिए। फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए अल्लाह।